हाय दोस्तों, मैं दबंग सिंह फिर हाजिर हूं बिग बॉस का रिव्यू लेके। दोस्तों अभी रिव्यू तो शुरू होगा मंडे से, बट अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं जो वीकेंड का वार जो अभी स्टार्ट होगा जब सलमान भाई आएंगे तो उसमें क्या क्या चेंजेस हो रही है बिग बॉस के अंदर। सबसे बड़ी चेंज जो बिग बॉस के अंदर आ रही है इस बार, जो वीकेंड का वार है वो सैटरडे संडे नहीं होगा, अब होगा फ्राइडे और सैटरडे। क्लियर, फ्राइडे और सैटरडे, नॉट संडे एंड सैटरडे। दूसरी बात, बिग बॉस के टाइमिंग्स चेंज हो रहे हैं। कोई बिग बॉस की टाइमिंग्स जो वीकेंड के बारे में होंगे वो 9:30 बजे होंगे, 9 बजे स्टार्ट नहीं होंगे। दूसरा, जो वीकेंड्स में आएगा वो भी 10:30 बजे नहीं आएगा, 10 बजे स्टार्ट होगा, क्योंकि झलक दिखलाया पार्ट 10 चल रहा है इस टाइम, तो इसी के कारण बिग बॉस की टाइमिंग्स को चेंज किया गया है। अब बात करते हैं सलमान भाई की। बस वो तो हर बार ये एक र्यूमर उड़ता ही है कि भाई सलमान भाई ने इतनी फीस ली, इस बार 600 करोड़ ले रहे हैं, इस बार ये ले रहे हैं, इस बार सलमान भाई को मिल रहे हैं 1000 करोड़। आप इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि जब अपना बिग बॉस का लॉन्च हुआ था तब भी सलमान भाई ने बोला कि मुझे 1000 करोड़ नहीं मिल रहे, अगर इतने पैसे मिल रहे तो मैं काम करना बंद कर दूं, और बाई चांस इतने पैसे मिल भी जाएंगे मेरे को तो भाई वही है, मेरे तो खर्चे बहुत हैं, वकीलों के खर्चे हैं, ये है वो है। तो सलमान भाई ने इस बात को हंस के डाल दिया। बट अब ये ह्यूमर बहुत बड़ा है कि उन्होंने इस बार इस शो के लिए 1000 करोड़ रुपए लिए हैं। अब बात करें ऑनेस्ट रिव्यू की। ऑनेस्ट रिव्यू जैसे बिग बॉस में लॉन्च में ही बताया गया है, बिग बॉस के प्रोमो भी आ रहा है कि इस बार बिग बॉस भी खेलेंगे, बिग बॉस भी इंटरफेयर करेंगे। अब ये सब चीजें हर एक बारी जब स्टार्ट होता है बिग बॉस, हमेशा ये बोला जाता है ये डिफरेंट है, ये अलग है, ये बहुत फास्ट होगा। जैसे बिग बॉस 15 था उसमें स्टार्टिंग में बोल दिया था जंगल से अंदर आएंगे वहां जाएंगे, जबकि होता वो ये जंगल भी एक स्टूडियो के अंदर ही बना हुआ है, वहां भी पूरा एसी है, वहां भी पूरी फैसिलिटीज है, बट हम लोग को यह दिखाया जाता है कि वो जंगल एरिया में है, वो घर के अंदर है। इस बार इस तरह भी चल रहा है कि बिग बॉस खुद खेलेंगे, बहुत फास्ट चलेगा, बहुत फास्ट एलिमिनेशन होंगी, ये होंगी। स्टार्टिंग में ये चीज को 3-4-5 दिन हफ्ते तक रखा जाता है, बट दोबारा फिर वही बिग बॉस नॉर्मल की तरह जो वैसे रूटीन में चलता रहा है वैसे ही बिग बॉस चलता है। अब जैसे सलमान ने बताया कि जो पहला कंटेस्टेंट अंदर जा रहा है वो जा रहा है अब्दुल रोजिक, वो जो छोटा सा गाने गाता है, जो सलमान भाई उसको प्रमोट भी कर रहे हैं आजकल, वो पहले घर के अंदर जाएंगे सबसे पहले। दूसरा, घर की जो थीम बताई जा रही है वो थीम सर्कस बताई जा रही है, जो बेडरूम है, गार्डन एरिया है, सारा वो सर्कस की तरह डिजाइन किया गया है, तो वो उसकी थीम सर्कस है। तो दोस्तों मंडे को मिलेंगे आपको बिग बॉस का रिव्यू लेके, ऑनेस्ट रिव्यू लेके। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहिए मायापुरी कट।